हम आदि पब्लिक स्कूल क्लास 8 जीके कर रहे थे, जो आपकी जीके की बुक है इसका नेम क्या है, जीके प्लैनेट, और इसका हम टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। टर्म 1 में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली थी और यूनिट 2 का चैप्टर 5 हमने कंप्लीट किया था रीसेंट वीडियो में। उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 8 जीके के नेम से, तो वहां से आपको सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ हम मैथ्स और साइंस की वीडियो लेके आने वाले हैं, तो उन सारी वीडियोस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि है पेज नंबर हमारे 11 पर, है ना। तो देखो चैप्टर नंबर 6 का नेम है मॉडर्न गैजेट्स। इसके अंडर क्या लिखा हुआ है, देखो, अ रैपिड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंटरनेट हैज एनेबल्ड द टेक्नोक्रेट्स टू प्रोड्यूस हाईली एडवांस्ड गैजेट फॉर अवर यूज। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है साइंस की दुनिया में, या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट में क्या हुई, हमारी प्रोग्रेस हुई है, इसकी वजह से हमारे लिए हाईली एडवांस गैजेट्स हमें मिले हुए हैं। लेट अस नो अबाउट सम सच गैजेट्स। चलो इसके बारे में हम जानते हैं कुछ गैजेट्स के बारे में। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन को रीड करके नेम बताने गैजेट्स के। सबसे पहला जो है, दिस डिवाइस एनेबल यूजर टू ब्राउज, बाय, डाउनलोड एंड रीड ई बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड अदर डिजिटल मीडिया वाया वायरलेस नेटवर्किंग। ये जो डिवाइस है, इसकी वजह से हम कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और बड़े आराम से इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं उन बुक्स को इस गैजेट्स की हेल्प से। तो इसका जो नेम है वो है हमारा अमेज़न किंडल। देखो इधर पे नीचे लिखा भी हुआ है, इधर कहीं लिखा हुआ है अमेज़न किंडल, देखो एफ वाला आंसर है। तो AMEZONKINDLE, KINDLE, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर, है ना। फर्स्ट वाला पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम सेकंड पार्ट टू सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट, इट इज एन अफोर्डेबल हियरिंग एम्पलीफायर दैट हेल्प द यूजर हियर द साउंड बेटर, सच एज कन्वर्सेशन विद अदर एंड हियर द टेलीविजन। तो ये वाली जो डिवाइस है, तो अफोर्डेबल हियरिंग एम्पलीफायर है, जो कि हेल्प करता है यूजर को साउंड अच्छा साउंड सुनने के लिए, है ना, और कन्वर्सेशन वगैरह करने के लिए। तो जो सेकंड वाला आंसर है, इसका नेम है, और देखो बताता हूँ मैं, ओलिव स्मार्ट ईयर। ओलिव स्मार्ट ईयर, OLIVE स्मार्ट, SMART ईयर, EAR, ओलिव स्मार्ट ईयर, ठीक है। थर्ड वाला देखो, इसकी डायग्राम से ही समझ में आ रहा है क्या ये। दिस स्मार्ट कैंडल कम्स विद अ बिल्ट-इन स्पीकर टू प्ले अ रेंज ऑफ लग्जरी साउंड, है ना, बढ़िया साउंड मिलता है इसमें हमें सुनने के लिए। इट कैन ऑल्सो मिमिक नेचुरल बाउंस एंड स्वेट मोशन ऑफ अ पेरेंट्स विदाउट एनी एडल्ट सुपरविजन नियर बाय, है ना। तो बिना बच्चे को इसमें क्या कर सकते हैं, अपन सुला भी सकते हैं, और किसी एडल्ट का होना भी जरूरी नहीं है इसके लिए। तो इसका जो नेम है थर्ड वाले का, इसका है मामा रू, देखो इधर पे जो सबसे लास्ट वाला है ना, मामा रू स्लीप बिसनेट, बिसीनेट, इसको मैं लिख लेता हूँ MAMARROO स्लीप, इसको नीचे लिखता हूँ मैं BASINET। तो ये हो गया हमारा क्या, थर्ड वाले का आंसर। फोर्थ वाला देखो, इट इज अ डोमेस्टिक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग शॉवर, है ना। तो ये क्या है, डोमेस्टिक रिसाइकलिंग सिस्टम, ये क्या कर सकता है, हमारा वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम है, जो कि क्या कर सकता है, क्लीन कर सकता है हमारे वाटर को, और किसको डिसइंफेक्ट कर सकता है, जो हमारे बाद जो हम नहाते हैं उसके बाद जो वाटर हमारा निकलता है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। एंड वॉशिंग मशीन वाटर सो इट कैन बी रीयूज्ड टू फॉर टॉयलेट, और जो भी हमारा ये जो वाटर जो भी हम वॉश करते हैं अपने क्लॉथ को, उससे जो बचता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, और टॉयलेट यूज के लिए, फ्लशिंग के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, गार्डन के लिए और पूल के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी जो गैजेट है, बहुत ही अच्छा गैजेट है एज अ पर्पस ऑफ साइंस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ वाले का आंसर, हाइड्रोलूप हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, हाइड्रोलूप, डी, हाइड्रोलूप, ये लिख दिया, ये सबसे अच्छा गैजेट लगा मुझे। फिफ्थ वाला देखते हैं, इट इज अ पेयर ऑफ ग्लासेस डेवलप्ड स्पेशली फॉर डिसलेक्सिक
children. It integrates high performance electrochromic lenses along the precise modulation of light need for faster and clear reading. तो ये भी बढ़िया वो हैं, क्या बोलते हैं, glasses हैं जो कि बहुत ही क्लियरली अपन विजिबल हो जाते हैं और एक परफेक्ट रेज भी हमारी आईज के अंदर एंटर होती है ना. तो ये जो है इसका फिफ्थ वाले का आंसर ये हो जाएगा हमारा लेक्सी लेंस, LEXI LENS. ठीक है, तो बस ये पढ़ने वगैरह के लिए काफी अच्छा है ये लेंस अगर हमारी आईज में थोड़ी प्रॉब्लम है. इसके बाद जो है हमारा सिक्स्थ वाला, इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट वियरेबल मेडिकल ग्रेड इलेक्ट्रोडायग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, ECG. इट ऑल्सो कम्स, ECG मीन्स बहुत अच्छी वॉच है. इट इज ऑल्सो कम विथ मल्टी वेवलेंथ PPG है ना, हार्ट सेंसर, हार्ट को भी सेंसर कर सकती है, एंड SpO2 सेंसर टू मॉनिटर हार्ट बीट्स है ना, हार्ट बीट को भी मॉनिटर कर सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो उसको भी मॉनिटर कर सकती है. और इस तरीके से इसके साथ ये वाली हमारी वॉच आती है, वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट वियरेबल मेडिकल वॉच. तो इसका जो नेम है जो हमारा बचा हुआ होगा वही है स्कैन वॉच. तो इसका नेम क्या है, स्कैन वॉच, बी वाला जो लिखा हुआ ना ये. तो इस तरीके से ये हो गया हमारा सिक्स्थ चैप्टर भी कंप्लीट. इसके बाद देखेंगे सेवन चैप्टर. ठीक है, तो बस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो एक साथ कवर कर सकते हैं. अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल है ना, और जो भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.